फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में ऑलमोस्ट एक महीना बचा हुआ है और आप लोग के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दीदी हमारी प्रिपरेशन अब तक नहीं हो पाई है, प्लीज कुछ सजेस्ट करिए। तो अगर आपको भी इस 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम देना है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू श्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है और लास्ट दिसंबर में सीटेट का एग्जाम दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सिर्फ एक महीने की पढ़ाई में मैंने अपने दोनों ही पेपर क्लियर किए हैं। तो अगर अब तक आपने अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट की है, आज से भी आप जीरो से स्टार्ट करके सिर्फ एक महीने की पढ़ाई में आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। जब मैं अपने दो बच्चे, घर में बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद सीटेट सिर्फ एक महीने में पढ़ के क्लियर कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। कैसे करना है आज के वीडियो में बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अब तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आज से टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक पॉजिटिव माइंड सेटअप लेकर के अपना एक टारगेट रखिए। 20 अगस्त को पेपर है, इस महीने में अभी 10 दिन है। आप अपना एक पॉजिटिव माइंड सेटअप रखिए कि 10 दिन अभी है इस महीने में और इन 10 दिनों में आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स आप कहाँ से मिलेंगे आपको, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि हम नोट्स बनाने बैठे। तो आप लेट्स लर्न चैनल पे जाइए, सबको पता होगा आज के टाइम में लेट्स लर्न में हिमांशी सिंह का कोई भी एक वीडियो खोलिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है उसमें कोई भी एक वीडियो खोलिए और हर वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स को खोलेंगे आप तो आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। तो आप इन 10 दिनों में उन नोट्स को अच्छे से पढ़ जाइए। मतलब जो एक होता है ना, एक एक वर्ड उस नोट्स का पढ़ जाइए। सीडीपी में आई थिंक 40 पेज का नोट्स है, देन इंग्लिश पेडागॉजी है उसमें भी 20 पेज का नोट्स है, ऐसे हर सब्जेक्ट्स के नोट्स उसमें हैं। आप इन 10 दिनों में उन सारे नोट्स को पढ़ जाइए। उसके बाद अगले महीने में भी आपको अगस्त में 10 दिन मिलने वाले हैं, तो उन 10 दिनों में आप जो प्रीवियस ईयर के वीडियोज हैं आप उन वीडियोज को देख लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, उनको वीडियोज के थ्रू सॉल्व कराया गया है, तो आप उनको देख लीजिए। अगर आपको देखने में काफी टाइम लग रहा है तो उसके साथ आप सीटेट की वेबसाइट ctet.nic.in पे जाइए और वहां से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनको डाउनलोड करके उनको कम से कम आप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई रोक नहीं सकता। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, खुद के लिए इस समझ के चलिए कि सिर्फ 20 दिन है, इन 20 दिनों में आपको अपना जी जान लगा देना है, ज्यादा नहीं। अगर आपने डेली 3 घंटे भी दे दिए ना, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप हिमांशी सिंह के नोट्स पढ़ना शुरू करिए। अगर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो निकलवा लीजिए, नहीं निकलवा सकती है कोई बात नहीं, आप फोन में ही ओपन करके कहीं पे भी खोल लीजिए जहाँ पे आप पढ़ती हैं, और फिर उसमें से पहले सिर्फ आप नोट्स अच्छे से पढ़ जाइए। उसके बाद जब नोट्स सारे आपके खत्म हो जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। उससे एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, कैसे पेपर आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। बस इतना कर लीजिए और आपका पेपर क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। करना क्या है, पॉजिटिव रखना है, खुद को पॉजिटिव रखिए और अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं। लेट्स लर्न के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से कोई भी एक वीडियो ओपन करिए, हर वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उन लिंक से आप नोट्स लेकर के पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पता चलेगा और आप क्वेश्चंस को समझ पा रही हैं कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार हम क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन हमें नेगेटिव वे में पूछा होता है, हम पॉजिटिव वे में आंसर करके चले आते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं, वो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, उनसे हमें आइडिया लगता है और वो गलतियां हम नहीं करते हैं। तो बस लग जाइए आज से ही, आप अब से भी अपनी तैयारी जीरो से स्टार्ट करके 120 प्लस मार्क्स ला सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकती हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेरी होगा तो वो भी मुझसे पूछ सकती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकती हैं आराधना राजीव दुबे से। तब तक पढ़ाई स्टार्ट करिए और सीटेट आराम से क्लियर करिए कि मे बी दिसंबर में सुपर टेट आ जाए,
हम सब जिसका वेट कर रहे हैं सुपर टेट सुपर टेट सुपर टेट, क्या पता आ ही जाए दिसंबर में।